या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी का आपके चैनल आंजनेय में स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी को आंजनेय की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी से मेरा यह अनुरोध है कि एक बार कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा लगाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए माँ चंद्रघंटा का रूप का धारण किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा का नाम क्यों चंद्रघंटा पड़ा तथा उसके पीछे क्या महत्व है, क्या इसकी पूजा विधि है तथा माँ चंद्रघंटा की क्या कथा है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं माता को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी तथा शांतिदायक का रूप भी माना जाता है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक होती है बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को भी दूर कर देती है। ऐसे में यदि आप तीसरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में अवश्य जानें। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर ले, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। माँ चंद्रघंटा को सुनहरे वस्त्र बेहद पसंद है तो हो सके तो कोई सुनहरे रंग का वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद एक साफ और शुद्ध आसन ले। उस आसन का प्रयोग केवल आप ही करें, परिवार में कोई और जन उसका आसन का प्रयोग ना करें। उस आसन के इर्द गिर्द जल के कुछ छींटे डाल दें ताकि उस आसन के आसपास का जो जगह है वो शुद्ध हो जाए। अब माता को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाकर कमल और पीले गुलाब के फूल अर्पण करें, साथ ही माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत मिश्री और मिठाई आदि से भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बारे में प्रभाव कम हो जाता है। इनके आराधना से व्यक्ति में वीरता का संचार होता है और शत्रु पर विजय मिलती है। तो इस मंत्र का उच्चारण आप 108 बार कीजिए। तो आइए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं ने उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र भगवान ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर तकावत कर देवताओं की रक्षा करी। और यहाँ पे माता चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि माता चंद्रघंटा किन तीन भगवान की ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी, एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।